अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरी और आप देख रहे हैं फरीज किचन। दोस्तों, आज हम अपने किचन में बनाएंगे पाए, बकरे के पाए, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, पाए बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें 4 अदद ये बकरे के पाए हैं। इन्हें मैंने एक भगोने में हाफ भगोना पानी लेकर उसके अंदर 4 पाए लेकर उसको मैंने उसमें उसके अंदर 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर इन्हें बॉईल कर लिया है। मतलब 80% मैंने इन्हें बॉईल कर लिया है। और दूसरे भगोने के अंदर मैंने ये बॉन्ग का 1/2 kg जो गोश्त था उसे मैंने डालकर थोड़ा पानी ऊपर डालकर लो फ्लेम पर मैंने इसे 1/2 आवर के लिए बॉईल कर लिया है। इसमें मैंने हल्दी और नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा थोड़ा सा ऐड किया है। तो ये दोनों चीज़ें बॉईल हो गई हैं। इसका जो स्टॉक बचा है वो ये है। शोरबा करने के लिए अगर हमें मज़ीद स्टॉक की ज़रूरत पड़ी तो हम उसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा दोस्तों, पाए को कुक करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। 1/3 कप मैंने ऑयल लिया है। आप घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी। 2 प्याज दरमियाने साइज़ के मैंने कट कर ली हैं। 1/2 कप मैंने दही लिया है। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 1/2 टेबल स्पून मैंने लाल पिसी हुई मिर्चें ली हैं। इसके अंदर मैंने 1 इलायची ली है। गरम मसाले के अंदर 2 दालचीनी ली हैं। 4 से 5 काली मिर्च हैं। 2 अदद लौंगे हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर लिया है। 1 स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। 1/2 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया है। नमक हम एज़ रिक्वायर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि मैंने पाए को बॉईल करते हुए भी उसमें नमक ऐड किया था। गार्निश के लिए हम हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक का यूज़ करेंगे। अच्छा दोस्तों, अब हम पाए कुक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये जो हमारा ऑयल है दोस्तों, ये हमने फ्लेम ऑन कर लिया है मीडियम टू लो। अभी हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल हीट अप हो जाए उसके बाद हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। दोस्तों ये ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें प्याज को लाइट ब्राउन कलर देना है। दोस्तों ये देखिए, प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसे हमें लाइट पिंक कलर देना है प्याज को। जैसे ही इसका लाइट पिंक कलर होगा हम इसके अंदर बॉन्ग का गोश्त और पाए ऐड कर देंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल फरीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इससे हमारी हर न्यू अपलोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों ये देखिए, प्याज का कलर लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें जो हमने पाए बॉईल करके रखे थे उसे ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब इस स्टेज पर हम फ्लेम स्लो कर देंगे। थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे, इसके बाद हम बॉन्ग का गोश्त ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दोनों चीज़ों को हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। फ्लेम थोड़ा बढ़ा देंगे, मीडियम टू लो कर देंगे। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। हमने इसमें दही ऐड कर दिया है। अब हम दही को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने दही को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब इसके साथ ही हम जो भी हमारे ड्राई मसाले थे हम सब ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम अदरक लहसुन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हम सब मसाले ऐड कर देंगे। गरम मसाला डाला है, उसके बाद लाल पिसी हुई मिर्ची डाली हैं, उसके बाद हल्दी डाल दी है, उसके साथ ही हमने पिसा हुआ धनिया डाल दिया है। अच्छा, नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे, ये मैं बाद में ऐड करूँगी। पहले मैं जब पाए रेडी हो जाएंगे मैं इसको चेक करूँगी अच्छी तरीके से। नमक अगर मुझे कम लगेगा तो मैं ऐड करूँगी। हमने ये सब मसाले ऐड कर दिए हैं। अब हम इसकी भुनाई करेंगे 5 मिनट तक।
अच्छा दोस्तों, अब मैं फ्लेम बढ़ा दूंगी। अब मैं फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दूंगी ताकि हम इसकी बकरे के पाए की अच्छी तरीके से भुनाई कर सकें। ये आप कलर देख सकते हैं, अच्छी तरह पाए की भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करेंगे कि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और दही अच्छी तरीके से भुन जाए। अच्छा, पाए में ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे, इससे हमारी जो बूटियां हैं वो टूट सकती हैं। अच्छा दोस्तों, ये देखिए पाए अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। इसे मैंने 5 से 7 मिनट बहुत अच्छे तरीके से इसे मैंने भून लिया है। ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इसका मसाला इस तरह का होना चाहिए। ये देखिए इसका मसाला इस तरह का होना चाहिए, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इस स्टेज पर हम फ्लेम लो कर देंगे बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, ये देखिए इसका मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। ये देखिए इस तरीके से करना है आपने चेक कि इसमें मसाले में इस तरह की थोड़े थोड़े से बबल्स बन रहे हों। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम लो करके जो हमारा मटन स्टॉक था वो हमारा जो मटन स्टॉक था उसे हम ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये मैंने सारा मटन स्टॉक ऐड कर दिया है। अब मैं चेक करूँगी मुझे इसका शोरबा कितना चाहिए, कितना थिक चाहिए या कैसा चाहिए ना। मुझे शोरबा थोड़ा पतला करना है, मतलब ज़्यादा करना है, तो मैं इसके लिए पानी ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं आप इसका कलर। अब हम फ्लेम फुल कर देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर से कुक होना स्टार्ट हो जाए। देख सकते हैं शोरबा थिक नहीं हुआ है ज़्यादा, बस नॉर्मली जो हमारे पाए तैयार होते हैं ये उस तरह का है, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे। यहाँ लास्ट स्टेज पर मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। अच्छा दोस्तों, पाए रेडी हो चुके हैं, अब हम फ्लेम ऑफ कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। रेसिपी रेडी हो चुकी है, अब हम इसे थोड़ा गार्निश कर लेंगे धनिया के साथ। थोड़ा धनिया गार्निश कर लेंगे, थोड़ी ग्रीन चिली एंड जो हमने अदरक काट के रखी थी। रेसिपी रेडी हो चुकी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।